बड़ी बेहसारी लगातार मेहमान हमारे साथ बने हुए अर्चना शर्मा जी, अच्छे दिन तो आ गए हैं राजस्थान के। राजस्थान पूरे देश में नंबर वन है बातों की अगर बात करें तो, भाषणों की अगर बात करें तो। देखिए राहुल जी, चूंकि राठौड़ साहब ने अपनी पार्टी की या कह सकते सरकार की खोखली घोषणाएं, योजनाएं भी नहीं बोल रही हूं मैं, घोषणाओं को बहुत दबाव के साथ और बहुत मजबूत आवाज में प्रस्तुत कर दिया, और हमने इसलिए भी इनको हस्तक्षेप नहीं किया कि अच्छा है ये सारी बातें बोल दें तो हम भी उनको पॉइंट वाइज दे करके इनको बता सकें, इनको आईना दिखा सकें। इन्होंने बहुत सी बातें कही, हमने ग्राम शुरू किया, हमारी ई पोर्टल शुरू कर दिया किसानों के लिए। किसान तो टमाटर लेके सड़कों पर बैठा था, पूरी फसल फेंक गया, वो मरने के लिए मजबूर हो गया, आत्महत्याओं का सिलसिला नहीं रुका, ये सारा राजस्थान जानता है। इनके ये कह देंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ, खरीफ की फसल के लिए केंद्र सरकार एक सर्कुलर जारी करती है, यहाँ का प्रशासन उसको दबा के रखता है और सिर्फ जब दो दिन बचते हैं तब उसे जारी करता है। किसान के समझ नहीं आता है कौन सी ऋण योजना है और कैसे इससे लाभान्वित होना है। इन्होंने कहा कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है, हमने सारे अपराधों पर नियंत्रण किया। आपने तो मिसाल कायम की है कानून व्यवस्था को बिगाड़ने की। पूर्ववर्ती शासन में आपने 70 लोग मारे थे, आपसी उपद्रव को बढ़ाया, द्वेष को बढ़ाया, सामाजिक तौर पर जनता को परेशान किया, और इस बार क्या किया, पुलिस को और प्रदर्शनकारियों को आमने सामने करके मुठभेड़ करवाई और पूरे प्रदेश की कानून व्यवस्था को चौपट कर दिया। यानी आपके पास ना तो नियंत्रण है, ना आपकी इंटेलिजेंस का काम करती है और ना ही जनता को राहत देने के लिए कोई नीति है। महिला उत्पीड़न का मैं जिक्र कर ही चुकी, बार बार कहूंगी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि महिलाओं ने इस चीज को स्वीकार कर लिया कि महिला मुख्यमंत्री के शासन में उनकी सुनवाई नहीं हो सकती। रोजगार के संदर्भ में इन्होंने बहुत सी बातें कही, पटवारियों को रोजगार दे दिया, कर्मचारियों के प्रमोशन कर दिए। फिर ऐसे क्या हो रहा है कि कर्मचारी पूरे के पूरे 6 लाख कर्मचारी अब काश पर चले जाते हैं। आपकी जो मंत्रिमंडलीय कमिटीज बनती है वो उनको आश्वासन देती है, उसके समाधान नहीं निकाल सकती। पहली सरकार है जो फाइनेंशियल बर्डन नहीं होने के बावजूद पदनामों के परिवर्तन तक में ईगो बनाती है और उसको लेकर ये कर्मचारियों की प्रताड़ना जारी रहती है। तो ऐसे बहुत से मुद्दे, और रोजगार के मुद्दे पर आ जाइए तो ये ग्राम सेवक की बात कर रहे थे, आपके यहाँ भ्रष्टाचार इतना व्याप्त है कि जो विद्यार्थी मित्र जो 36 के करीब आत्महत्या कर चुके हैं उनको आपने पंचायत सहायक में परिवर्तित करने का काम किया, लेकिन आपके एमएलए खुद के लोगों की भर्तियां करवा रहे हैं, उसे भी मीडिया ने जो जागरूक मीडिया उजागर करके सारा पर्दाफाश किया। इस सरकार में स्थितियां इतनी खराब हो चुकी है कि आज ये आपकी हेडलाइन से कि कचरे के ठेकेदारों का पेमेंट नहीं हो रहा, राजधानी में कचरा नहीं उठेगा कल से। कोई एक मुखी होकर काम करना नहीं चाहता और एक मुखी संवाद सुनते रहिए, एक मोनोलॉग चलता है सरकार की तरफ से और उनके प्रतिनिधियों की तरफ से, और उसको स्वीकार करते जाइए। वो प्रधानमंत्री कह रहे हैं ना न्यू इंडिया, वैसे ये कह रहे हैं कि नया राजस्थान। अब राजस्थान तो नया नहीं हुआ, जाने क्या दिख जाए का जो लोगो जारी किया था पर्यटन विभाग ने, सचमुच में न जाने क्या दिख जाए, ऐसी परिस्थितियां जनता के लिए उत्पन्न हो गई। और हम तो सिर्फ इतना कहना चाहेंगे, जिस रिफाइनरी को लेकर के इतने जोरों खरोश से कह रहे थे हमारी जमीन हमारा तेल और हमारे हम इतना ब्याज क्यों देते रहे, आप भूल जाते हैं ये संसाधन देश के होते हैं, नेचुरल रिसोर्सेस, और इसका जितना डिले आपने किया उस नुकसान की भरपाई कहां से होगी। वो 1.5 लाख रोजगार जो मिलता है उसके सृजन के बारे में आपका कोई विचार नहीं है। और अल्टीमेटली आप देखिएगा राहुल जी, क्योंकि एमओयू जो है पब्लिक नहीं हुआ है, इसमें कहीं ना कहीं पीपीपी का एक ऐसा प्रावधान होगा जो किसी निजी कंपनी को फायदा पहुंचाने के तहत होगा, क्योंकि इसकी जमीन के आवंटन के मुद्दे को लेकर के या जमीन जो उपलब्ध करवानी है उसको लेकर के भी ये जानकारी मिली है, एक बड़े पूंजीपति की कोई जमीन है जिसको सरकार को एक्वायर करना पड़ेगा। तो ये जो हिडन एजेंडा है उससे तो कोई अवगत नहीं होता। भ्रष्टाचार को लेकर के बहुत दावे करती है सरकार, लेकिन जिस प्रदेश की मुख्यमंत्री पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हो और जिस प्रदेश में सबसे बड़ा खनन घोटाला हो गया और सरकार को बैकफुट पे आकर के 600 से ज्यादा माइंस को कैंसिल करना पड़ा हो, और उसकी जो मुख्य धुरी थी उस व्यक्ति को रीइंस्टेट करने के लिए जिसे मुख्यमंत्री पर छोड़ा गया था उसके रीइंस्टेट करने के लिए मुख्यमंत्री निर्णय लेती है, ये तो भ्रष्टाचार को न सिर्फ संस्थागत करना हुआ, ये भ्रष्टाचार को पूरी तरह से संरक्षण देने जैसा है। तो ये सारी बातें इनको दिखती नहीं, इन्हें सिर्फ ये दिखता है कि विपक्ष जो है वो नकारात्मक, विपक्ष कभी नकारात्मक नहीं होता, उसे भी जनता के बीच में जाना होता है, और ये भूल जाते हैं कि विपक्ष कम सही लेकिन जनता का प्रतिनिधि जरूर होता है। कम वोट मिले उसे इसलिए वो हार गए, लेकिन वोट उसे भी मिले, यानी जनता उसके प्रति भी आकर्षित है और जानती है कि वो अपनी भूमिका निभाएगा, इससे उसे उम्मीद रखते हैं। विपक्ष इस तौर पर सड़कों पर उतरता है, लेकिन विपक्ष सड़क पर उतरने पर विचलित तो जरूर होते हैं, लेकिन इनकी बौखलाहट भी साथ में दिखती है और इसके समाधान के लिए कभी कोई तत्परता से काम नहीं होता। हम समालोचना के पक्षधर हैं, हमने बहुत समय तक राज किया है, हम जानते हैं कि विपक्ष यदि सजग नहीं होगा, इनकी तरह बात नहीं करते कि विपक्ष मुक्त भारत कर देंगे, कांग्रेस मुक्त भारत कर देंगे, यानी निरंकुश शासन लाना चाहते हो,
विपक्ष नहीं होगा तो आप काम नहीं कर पाएंगे, आपको दिशा बोध की जो समस्या है वो उत्पन्न हो जाएगी। विपक्ष की बात को सकारात्मकता के साथ समालोचना के रूप में यदि ग्रहण कर लिया जाता तो आज प्रदेश की दिशा और दशा दूसरी होती, लेकिन विपक्ष के प्रति द्वेष इस प्रकार से था कि जैसे कैबिनेट की घोषणा हुई थी या सरकार बनने के बाद तो सबसे पहली घोषणा गुलाब चंद कटारिया जी ने टीवी चैनल्स के सामने की थी कि विपक्ष की समस्त योजनाओं को रिव्यू किया जाएगा, और रिव्यू करा तो क्या निकला, आपको सारी योजनाओं को लागू करना पड़ा, नाम बदल दिया, आप कह रहे हैं हॉस्पिटल्स में इलाज हो रहा है, आपने उस जो फ्री मेडिसिन स्कीम थी उसकी कमर तोड़ के रख दी। उस फ्री मेडिसिन स्कीम के हालात ये है कि जो जिससे 7 करोड़ राजस्थान की जनता लाभान्वित हुई थी, खुद का आंकड़ा है और आपके खुद के रिकॉर्ड में सरकार के, और उसके बाद 12 करोड़ तक मदन राठौड़ जी, मदन राठौड़ जी, अगर बेरोजगारों को रोजगार दिया गया इसके लिए इंडिया की बात की गई तो फिर क्यों बेरोजगार सड़कों पर उतरते हैं। रही बात शिक्षा की तो कई बार ऐसी स्थितियां आई हैं कि जहां शिक्षक की कमी है, जहां बिल्डिंग की कमी है, और इसके अलावा बाल पोषाहार, यहां तक कि मिड डे मील नहीं मिलता। अगर बात की जाए परिवहन सुविधा को लेकर तो आज भी चीजें अटकी हुई हैं, सड़क व्यवस्था नहीं दुरुस्त है। कानून व्यवस्था की बात की जाए तो लगातार लूटपाट की घटना, रेप की घटना, मर्डर की घटना, छिनैती की घटना, ये लगातार सामने आ रही है। आप कह रहे हैं अच्छे दिन आ गए, अच्छे दिन आ गए तो फिर ये तस्वीरें क्यों आ रही है? देखिए मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि पहले जो शिक्षा का जो हमने सामान्यीकरण किया उसकी जरूरत इसलिए पड़ी कि कहीं पर तो एक अध्यापक था और 400 लड़के थे। नहीं, हमें ये नहीं समझना है, मदन राठौड़ जी, हमें ये समझना है, हम समझ चुके हैं, हाँ तो हमने, लेकिन जहां बिल्डिंग की कमी है वहां की बात कौन करेगा? हमने बिल्डिंगें बनाई रमसा के माध्यम से, हमने बिल्डिंगें बनाई हमारे खुद के शिक्षक का हमने लगाए, हमने व्यवस्थित किया, समायोजन किया, बराबर किया व्यवस्था, शिक्षक अब कहीं भी कम नहीं है, शिक्षक बराबर हैं अनुपात के हिसाब से। विद्यार्थियों की दूरी तो तय कर दी ना आपने, पहले 1 किलोमीटर था अब 4 किलोमीटर पर हो गया मामला, समायोजन के 2 किलोमीटर से ज्यादा नहीं है, कहीं भी 2 किलोमीटर से अधिक कहीं भी नहीं रखा है, हमने इस प्रकार की व्यवस्था की है। इसके अलावा भी जहां आप ये कह रहे हैं कि बेरोजगारी, तो बेरोजगारी देखिए कोई एक साल में या 2-3 साल के अंदर नहीं बढ़ गई है, 4 साल लोड बहुत है, जनसंख्या बहुत है, जनसंख्या के अनुपात के हिसाब से एकदम सबको रोजगार एकदम नहीं मिल सकता। इसके लिए हमने स्किल डेवलपमेंट किया, इसके लिए हमने हर उपखंड में ITI शुरू की ताकि वो व्यक्ति अपने पैरों पर खड़ा हो सके। हमने ये व्यवस्था की है कि कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के माध्यम से बैंक से कर्जा लेकर के अपना स्वरोजगार शुरू कर सके। आंकड़े हैं आपके पास? व्यवस्था की ताकि आंकड़े हैं ना, मैंने कराए हैं, मैंने कराए हैं ना, मेरे मदन राठौड़ जी आपकी तो बात सुन ली जाएगी। मैं आम जनमानस अगर बैंक में जाता है ऋण लेने के लिए क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं उसे मालूम है, अगर उसका कहीं से सोर्स ना हो। राहुल जी मैं एक बात बताना चाहूंगा, बैंक उसको कर्जा देगी जो उद्योग लगाना चाहे, जो व्यापार करना चाहे, मालूम है बैंक कोई कर्जा चुकाने के लिए नहीं देती है, बैंक कोई पत्नी के जेवर गड़ाने के लिए नहीं देती है या शराब पीने के लिए नहीं देगी, इसलिए बैंक उसको कर्जा देगी। और बैंक यदि कर्जा नहीं देगी तो बैंक चलेगी कैसे, बैंक के कर्मचारियों को तनख्वाह कहां से मिलेगी, कर्जा देगी कम ब्याज में तो रुपया जमा करेगी और अधिक ब्याज कर्जा देकर के लेगी तब जाकर के बैंक। अच्छा किसानों के लिए आप लोगों ने बेहतर किया तो किसान आत्महत्या क्यों कर रहे हैं, किसान आंदोलित क्यों हो रहे हैं? नहीं कर रहे हैं, किसान आत्महत्या नहीं कर रहा है राजस्थान में, किसी भी किसान ने कर्जे के बोझ से, अभी देखिए मैं एक बात बताऊं, अभी 15 अगस्त को मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जो किसान अधिक म्याद हो गई जिसकी और कर्जा नहीं चुका पाता, वो यदि वन टाइम सेटलमेंट के तहत यदि कर्जा चुकाना चाहे तो 50% ब्याज में छूट दी जाएगी, इससे ज्यादा और बात क्या हो सकती है राहुल जी। ये हम कर रहे हैं, किसान की चिंता हम कर रहे हैं, किसान की आमदनी कैसे बढ़ी जा सकती है इसकी चिंता हम कर रहे हैं, हम मुद्रा और मृदा परीक्षण कर रहे हैं किसान, ताकि वो परंपरागत खेती नहीं करे, किसान अपनी मृदा की जांच करके उसमें कौन सा बीज डाले जिससे उसकी उत्पादकता का लाभ अधिक मिल सके, हमने यह चिंता की। हम किसान को मजबूत करना चाहते हैं, हम किसान को हाथ फैलाने वाला नहीं बनाना चाहते, हम किसान को केवल यूं ही देने के कोई मतलब नहीं है, वो तो खत्म हो जाएगा, हम कानून व्यवस्था चाहते हैं, उसकी बढ़ाना चाहते हैं, कानून व्यवस्था लॉ एंड ऑर्डर में हमने बराबर सुधार किया है और अपराधियों को पकड़ा है। और इसके अलावा भी मैं बताऊं आपको, गश्त लगा रहे हैं हमारे व्यक्ति, समय समय पर निगरानी कर रहे हैं कहीं पर भी, और देखिए यूं तो इतना बड़ा राजस्थान है, इतना बड़ा देश है, आनुपातिक दृष्टि से देखेंगे तो निश्चित रूप से राजस्थान में अनुपात में कमी आई है, जिस प्रकार से अपराध पहले बढ़ा करते थे यदि उसी अनुपात में यदि हम देखना चाहेंगे तो राजस्थान में अपराधों पर अंकुश लगा है,
निश्चित रूप से लाइन ऑर्डर मेंटेन हो रहा है। अब भड़काने का काम कोई भी कर सकता है, मुझे पता है कि किस प्रकार से विधानसभा में ये चिल्लाते थे, और अब जब गिरफ्तार कोई भी हो जाता था उसके बाद ये कैसे यू टर्न कर लेते हैं, किस प्रकार से पाला बदल देते हैं, किस प्रकार से उकसाने का काम करते हैं। मैं ये निवेदन करना चाहूंगा कि विपक्ष को भी सकारात्मक स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें मदन राठौड़ जी, कामों की प्रशंसा कुछ दिन पहले ही हमने चलाया, सीएससी पीएससी और अस्पतालों का हाल सही नहीं है। देखिए सुधार हो रहा है राहुल जी, हमने बहुत सुधार किया है, पीएससी को मजबूत किया है, डॉक्टर वहां लगाए हैं। अभी देखिए आप, चार दिन पहले और डॉक्टर्स लगाए हमने, और जो डॉक्टर्स गांव में गए हमारे यहाँ धन्यवाद के टेलीफोन आ रहे हैं, हमारे यहाँ नर्स जो पैरामेडिकल स्टाफ जो लग रहा है उसके लिए धन्यवाद के टेलीफोन आने लग गए कि साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपने हमारे यहाँ लगा दिया। तो हम कर रहे हैं, अस्पताल भी सुदृढ़ कर रहे हैं, हमने सीएससी बढ़ाए हैं, हमने पीएससी बढ़ाए हैं, हम काम कर रहे हैं, हमने पशु चिकित्सक बढ़ाए हैं, अभी देखिए पशु चिकित्सक और लिए हैं, पशुधन पशु ये सहायक और लिए हैं, वो भी हमने लिया, वो भी नियुक्ति की, अभी 8 दिन पहले की नियुक्तियां हैं जो अभी और हमने गांवों में भेज दिए, हम काम कर रहे हैं। संकल्प पत्र में जो आपने वादा किया था कितना पूरा हो गया? देखिए संकल्प पत्र में जो हमने वादे किए उसमें से अधिकांश पूरे हो गए, जो 10% 15% बचे हैं वो भी हम इन एक वर्ष के अंदर निश्चित रूप से पूरा कर देंगे। जनता से जो वायदे हमने किए हैं, 85 से 90% तक हम जनता के बीच में जा भी नहीं सकते। भंडारी जी, हम जनता के बीच में 85 से 90% तक जो वादे किए थे सरकार ने उसे पूरे किए दिखाई दे रहा है राजस्थान। बिल्कुल वास्तव में राजस्थान बहुत जबर चमक है राजस्थान, सही बात है। यहाँ कोई वसुंधरा जी के खुद के गृह क्षेत्र के अंदर वृद्धिजन ने आत्महत्या की, मैं भी जाके मिल के आया हूँ उससे। वसुंधरा जी बात समझ नहीं, जाकर मिले वाले कह रहे किसान ने आत्महत्या नहीं की है, 65 किसान ने आत्महत्या कर चुके हैं। दूसरी बात ये बिजली का हाल ही है, डबल से ज्यादा रेट कर चुके हैं, 2.5 गुना रेट कर चुके हैं ये, और बिजली कंपनी का हाल ये है कि ब्याज चुकाने के लिए उनको लोन लेना पड़ रहा है, पानी के दाम 4 गुना बढ़ा दिए इन्होंने, और ये कह रहे विकास है, कौन सा विकास है मुझे समझा दो आप। ये कह रहे वसुंधरा जी, मैंने सुना था अभी कि हमने स्कूल को बहुत कमोन्नत कर दिया, बढ़िया कर दिया, अच्छी कर दी। आप बता दो कौन से विधायक का बेटा सरकारी स्कूल में भर्ती हो गया, किस पार्षद का बेटा भर्ती हो गया, किनके बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं, बता दें कोई अगर वहाँ कराए हो तो मैं मानूं कि वास्तव में बड़ा आपने बड़ा अच्छा ये स्कूलों को कर दिया है। हॉस्पिटल के अंदर ये जरूर किया था कालीचरण जी ने, एक अलग कमरा बना दिया कि भाजपा के कर्मचारी आए उनका विशेष इलाज, ये जरूर कर दिया, ये बात सही मानता हूँ, ये जो अचीवमेंट सरकार के किए हैं। अरे दिल्ली में देखिए ना, पानी फ्री कर दिया, 20,000 लीटर पानी फ्री है, बिजली दाम ने आधे कर दिए हैं, एजुकेशन सुधार जबरदस्त कर दिया है, वहाँ के टीचर को ट्रेनिंग के लिए हार्वर्ड भेजा गया है, और वहां हमने राजस्थान की बात खोली है, जहां पर जो हो रहा है वो दिल्लीवासी देख रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं, जो बात कीजिए तो मैं यही कह रहा हूं, सीखना चाहिए, बताएं सही पानी के दाम 4 गुने क्यों कर दिए, बता दें मुझे आप। 20 बिजली के दाम 2.5 गुना बढ़ चुके हैं, दिल्ली में अभी तक बढ़ाए नहीं, बता दें क्यों, मतलब कहां विकास हो रहा है मुझे समझा दें। ये अगर ये सरकारी स्कूलों में इनके बच्चे भर्ती होते तो मैं मानता वाकई सरकारी स्कूल विकास हो रहा है। कौन से सड़कों के हाथ जबर खराब हो रही है, अभी आप ही दिखा दे कचरा के अंदर, कल कचरा कर्मचारी हड़ताल चल जाएंगे, उनका पेमेंट नहीं कर रहे हैं, न्यायिक कर्मचारी हड़ताल पर रहे जबरदस्त, उनको पेमेंट नहीं कर रहे हैं, सरकारी कर्मचारी हड़ताल पर आ रहे हैं, पूरा पोपा में एक राज हो रहा है जबरदस्त। किसान आत्महत्या कर रहे हैं कि 1-2 रुपए किलो टमाटर खरीद करके 100 रुपए किलो टमाटर बिक रहा है, कौन कमा रहा है। अभी दालों में आपको मालूम पड़ जाएगा दाल बहुत इंपोर्ट कर ली है, अब किसान ने दाल पैदा कर ली है वो फिर वो रोएगा जाकर के, उसकी दालें सस्ती होंगी, ये उसको खरीदेंगे इकट्ठा करेंगे फिर कमाएंगे। किसान कहाँ कमा रहा है, किसान की और जवान की हालत तो लगातार खराब होती जा रही है। 1965 के अंदर लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था जय जवान जय किसान, उस बात समझ रहे थे कि जवान हमारी रक्षा करते हैं और किसान अन्नदाता होता है। उस समय से आज अब क्या हालत होगी किसान की आप देखिए, कर्जे में किसान डूबा हुआ है, किसान के बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। ये कह रहे हमने स्कूल खोल दिया है, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है, वसुंधरा जी जो गांव गोद लिया है मैं उसकी हालत बता रहा हूँ, जिस गांव को गोद लिया है माँ बन गई है, गोद लेने मतलब माँ बन गई है, और वहाँ स्कूल की हालत ये चूरा है, वहाँ स्कूल पानी जबर छतों से पानी गिर रहा है, बाहर क्लासेज लग रही हैं, और आर्ट्स के अलावा साइंस और कॉमर्स वहाँ पर है नहीं। मैं आपको जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, यहाँ पर ये खुद देख करके आया हूँ, वहाँ की हालत ये हो रही है, पानी की पाइपलाइनें नहीं है, पानी कुएं से लेकर के ऊपर से पाइपलाइन डाल के वो लोग कर रहे हैं, एक पैसा वहाँ इन्होंने खर्च नहीं किया है। स्कूल में भी गाँव वालों ने बताया था कि 90,000 रुपये खुद ने खरीद करके वहाँ दिया है और कुछ फर्नीचर वगैरह लगाया है वहाँ पर। ये तो हाल के वसुंधरा जी के गाँव की हालत है, जिस माँ के बेटे की हालत ये कर दी है तो प्रदेश का क्या हाल होगा, ये तो अपने आप समझ में आता है। जवाब नहीं दिया, मैंने कहा ना कोटा से वहाँ झालावाड़ पहुँचने के लिए 4 घंटे लगते हैं, बता दें मुझे 90 किलोमीटर के लिए। जवाब देखिए सड़कें, आप ये सड़कें बन रही हैं यहाँ पर, ये सीमेंट सड़कें बना रहे हैं, ये बना रहे हैं, झूठ बोलने के अलावा, गुमराह करने के अलावा, बीजेपी को लप्पे झप्पे करना,
और इससे बातें करना इसमें तो माहिर हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। खुद के पेट भरने से कोई दो राय नहीं है। हर एमएलए पार्षद का हाल ही करोड़पति अरबपति हो रहा है, ये बात सही है। जमीनों में कितना हो रहा है, ये कह रहे हैं अपराध हो रहे हैं, भूमाफिया क्या हो रहा है। एक बात और बताता हूँ, आईसीआई बैंक और कई बैंकों ने जो किसान कार्ड पर लोन लिया था उनको साइन करा कर उनका इंश्योरेंस कर दिया 50,000 साल के। वो जब मालूम करने गया तो बोले आपके इंश्योरेंस जमा पैसे हो गए भैया, उनकी हालत ये कर दी है। एफआईआर लो तो कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, ना एसओजी कर रहा है, ना एसएबी कर रहा है, कंप्लेंट से कंप्लेंट हो रही है। 100-150 किसान है जिनकी हालत खराब कर दी है उन्होंने, और फिर क्या लॉ एंड ऑर्डर में हो रहा है। 5% कन्विक्शन रेट है सर, 5% चालान फाइन करने के बाद में 5% है, उससे पहले क्या हाल होता है। ये जो जो अपराधी रंगे हाथों पकड़ में आ रहे हैं उनको रीइंस्टेट कर रहे हैं आप, इसलिए ये लॉ एंड ऑर्डर ये हो रहा है। और कटारिया साहब कहते हैं मैं सुरक्षा अपने आप करिए, ये बैंकों के लिए कह रहे हैं सुरक्षा अपने आप करिए। तो फिर आपके लिए सरकार किस काम के लिए क्या काम कर रही है? मदन राठौड़ जी आपको पता नहीं है मेरे ख्याल से, या नहीं वो तो उपलब्धियां गिनवाएंगे, आप कमियां बताएंगे अर्चना शर्मा जी, लेकिन सवाल इस सर सवाल तो मुझे सवाल बता इस दे बात सर, का कौन सी सरकार कि वाकई आम जनमानस का भला हो पाया है? पानी की रेट जनता की बात करें, पानी की रेट कर दी है, मैं वही कहूँ 4 गुना पानी की रेट कर दी है उन्होंने, बता दें कम, बिजली के रेट 2.5 गुना बढ़ा दिया उन्होंने, कम क्या कर रहे हैं बता दें, कौन सा काम कर दिया मुझे बता दें कि हमको 2 पैसा बच गए हों, बल्कि गैस में सब्सिडी और खत्म हो रही है, सब्सिडी खत्म कर रहे हैं आप बताइए, महंगाई बढ़ाते जा रहे हैं, कितनी महंगाई बढ़ गई है अर्चना शर्मा जी, आम आदमी का छोटे व्यक्ति जेम स्टोर है। अर्चना जी वही मैं जवाब दे रही हूँ जो आपने प्रश्न किया, किसी भी सरकार की कार्यप्रणाली का प्रतिबिंब जो होता है वो ये होता है कि जनता उससे सामाजिक तौर पर, उसके आर्थिक नीतियों के तौर पर और उसकी जो सुरक्षा का मापदंड है उस पर खरी उतरती हो सरकार, उससे संतुष्ट महसूस करती हो। लेकिन इन तीनों मोर्चों पर एक वेलफेयर स्टेट के नाम पर सरकार विफल रही है। सुरक्षा का हम मुद्दा चर्चा कर ही चुके, मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगी। आरबीआई ने अभी सारे स्टेट्स की एक रिपोर्ट जारी की है, हालांकि राजस्थान लोन वेवर नहीं किया है अभी तक यहाँ की सरकार ने, उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र वहां सब जगह हुआ, लेकिन 30 स्टॉक पॉइंट्स वो लेकर क्या है, एक लोन वेवर, एक जो सरकार का थर्मल और ये जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसको लेकर के क्या नजरिया, उसमें सबसे ज्यादा फ्लॉप राज्यों में राजस्थान है। उदय योजना को ग्रहण करने के बावजूद इनकी तरफ से रिन्यूएबल एनर्जी जो यानी सोलर एनर्जी, जो दूसरी एनर्जी है जिसे ग्रीन एनर्जी कहते हैं, इसको कैसे हम लोग एक तरह से हतोत्साहित करें इसके प्रोडक्शन को, उस नीति पर ये सरकार काम कर रही है। और उसका नतीजा क्या निकला कि एनपीए फिर बढ़ता जाएगा, और एनपीए बढ़ेगा तो सरकार का कभी भी जो फिस्कल कंसोलिडेशन है उसका जो दावा है वो खत्म मतलब स्टैंड नहीं कर पाएगा। और इस चीज में सबसे आगे अग्रणी राज्यों में राजस्थान रहा है। इन्होंने बहुत से दावे कर दिए अभी कि साहब हमने तो लोगों को बहुत सारी सुविधाएं, सामाजिक सुरक्षा के नाम पर जितनी योजनाएं जा रही थी आपने देखा, 10 लाख लोगों की पेंशन रोकी गई, उसमें से 3 लाख लोगों को मृत घोषित कर दिया, उसमें से बहुत सारे लोग हमारे माननीय विधायक जी के क्षेत्र के भी हैं। अभी इन्होंने दावा किया कि इनकी विधानसभा ओडीएफ घोषित हुई, अगर आपकी विधानसभा ओडीएफ घोषित होती तो आपको अवार्ड मिलता, अवार्ड तो मिला डूंगरपुर को, वहां की भी कलई खुल के दिख गई सामने। आपने दावा कर दिया हम 1200 दे देते, आप 12000 दे रहे, एक मिनट आप सुनिए मेरी बात, हमने फैक्ट के साथ साबित किया इस चीज को कि आप वहां जाते हैं गरीब जनता को पैसा नहीं मिलता, आधा पैसा देके उनसे उन पर बाध्यता लाते हैं कि आप इसको निर्मित करिए, और नहीं करते तो एफआईआर करवाने का वहां दावा किया जाता है, डराया जाता है। पानी है नहीं, ओडीएफ होगा कैसे, एक स्ट्रक्चर खड़ा हो जाएगा, ठेकेदार लाभान्वित होगा। इन्होंने कहा भ्रष्टाचार नहीं है, पीएचडी डिपार्टमेंट भ्रष्टाचार के कारण ही मंत्री को वहां से हटाना पड़ा, चिकित्सा मंत्री को वहां जो अब चिकित्सा मंत्री लगाए गए हैं उनको उनके विभाग से, शिक्षा विभाग से हटाना पड़ा। ये सारे भ्रष्टाचार को पनपा रहे थे, पनपा ही नहीं रहे थे, संस्थागत कर रहे थे उदाहरणों के साथ, उसके बावजूद इनको पदोन्नत कर दिया गया, इनके विभाग बदलकर उपकृत किया गया इनको। तो ऐसे में आप कैसे दावा कर सकते कि ये प्रदेश जो भ्रष्टाचार से मुक्त है, ये प्रदेश, और फिर उन्होंने दावे कर दिए कि साहब हमारे यहां तो सुरक्षा ही सुरक्षा है, क्राइम जो है उसका अनुपात घटा है। आप आंकड़ों के साथ बात करो, एनसीआरबी आप ही की सरकार जारी करे, उसके आंकड़ों से साबित हो रहा है कि राजस्थान हर अपराध की श्रेणी में आगे बढ़ता जा रहा है। अब सबसे बड़ी बात मुझे बताइए, किसी महिला का उत्पीड़न होता है, संगठित अपराध बढ़ता है,
क्यों नहीं मुख्यमंत्री बोलती हैं, क्यों नहीं संदेश देती हैं कि मुझे जीरो टॉलरेंस चाहिए, कम से कम महिला और बच्चों के अपराध के मामले, वो संदेश नहीं जाता ना वो पेनिट्रेट होता। और उसका नतीजा क्या निकलता है कि सारी घटनाएं बढ़ती जाती हैं, ऑर्गेनाइज क्राइम बढ़ता है, संगठित अपराधी जो है वो हर जगह अपने ठा बना ली उन्होंने और वहां पर उस अपराध को अंजाम दिया। ये राजधानी एक ऐसी संगठित अपराध की चारागाह बन के रह गई जिसको लेकर के यहाँ के पुलिस ऑफिसर जो डेप्यूटेशन पे गए वो खुद शर्मसार महसूस करने लगे। उन्होंने कहा एक कॉन्फ्रेंस में आकर के कि हमने कभी भी राजस्थान के आपराधिक इतिहास में ऐसा अपराध नहीं देखा, और नहीं देखा उसके बाद फिर वही घटना घटती और फिर यहाँ पर ये कहते हैं कि साहब हम अपनी पीठ थपथपा, खुद की बातें भी करेंगे पीठ भी खुद थपथपाएंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि प्रदेश आज जिस अग्रणी राजस्थान की बात करती है, नए राजस्थान की बात करती है, वो राजस्थान पिछड़ चुका है। सिर्फ बातें करने से कि मृदा कार्ड जारी कर दिए तो रीलॉन्चिंग थी, प्रधानमंत्री को बुलाया और कांग्रेस की यूपीए चेयरपर्सन जो यहाँ पर लॉन्च करके गई थी कार्ड, उसी के आपने रीलॉन्चिंग कर दी और खुद ही विरोधाभासी बयान भी देते हो, फिर उस समय कहते हो कि नहीं साहब हमारी योजना थी, और थोड़े दिन बाद जारी करते हो कि कांग्रेस ने इतने कार्ड जारी किए, हमने इतने कार्ड जारी कर दिए। तो आप इसे समझ सकते हैं रीब्रांडिंग मदन राठौड़ जी, हालांकि आपने तमाम आ रहे हैं, विपक्ष का अपना आंकड़ा है, आपका अपना आंकड़ा है, आंकड़े के बीच वाकई अच्छे दिन आए हैं आम जनता के। ये बात बिल्कुल सही है, अच्छे दिन आ रहे हैं और वास्तव में जनता खुश है। और देखिए अभी अर्चना जी कह रही थी कि बोले जनता एक खुद उद्दलित है तो फिर इनका समर्थन नहीं करेगी, तो ये चुनाव बताता है। अभी धौलपुर का चुनाव हर वो सबके सामने है कि किस प्रकार से जनता ने बढ़ चढ़ के हमारा साथ दिया, इसलिए हाँ जनता आंकलन कर लेती है और जनता ने हमको समर्थन दिया है, हमारी पीठ मजबूत की है। और इसके अलावा देखिए ये बिजली की बात करने का तो इनको हक ही नहीं है, बिजली पर जितना इन्होंने कर्जा चढ़ाया मतलब कितना 1,00,000 करोड़ से भी अधिक, और हमारी मुख्यमंत्री जी ने 60,000 करोड़ अपने फंड में से देकर के उसको जिंदा रखा है। उन्होंने क्या किया उस पर ना जाइए, उन्होंने क्या किया अर्चना जी, ठीक है उन्होंने क्या किया उस पर ना जाइए, आपने क्या किया इसकी बात कीजिए आप। हमने किया, हमने अपने फंड से राजस्थान के फंड से 60,000 करोड़ देकर के जो बिजली की दरें बढ़ रही थी, नियामक आयोग जो बढ़ा रहा था उसको कम किया और वापस किसान को और आम जनता को लाभान्वित किया। हमने कभी भी किसान के ऊपर या जनता के ऊपर बोझ नहीं डाला, हमने ये व्यवस्था सुधारी। यही नहीं, किस प्रकार की बात करते हैं आप इस पर देखिए, अब ऐसा नहीं चल सकता है। या तो फिर आप बोलते थे तब मैं चुपचाप सुन रहा था, आपने जिस प्रकार के अनर्गल आरोप लगाए हम चुपचाप सुनते रहे, जब मेरा भी जवाब सुनिए आप। हमने व्यवस्था में सुधार किया है, प्रत्येक व्यक्ति को सुदृढ़ करने का काम किया है, हमने केवल बांटने का काम नहीं किया कि कांग्रेस ने जाते जाते रुपया बांटना शुरू कर दिया, अरे बांटोगे वो खा करके खत्म हो जाएगा, हमने उस व्यक्ति की खरीद क्षमता, उसकी क्रय शक्ति कैसे बढ़े उसकी चिंता की है, उसको मजबूत किस प्रकार से करने का काम किया है, हमने वो काम किया है और वो जनता बता भी देगी। आज मैं आपसे बताऊं, ये अस्पताल की बात कर रहे थे, अरे भाई अस्पताल में गरीब का इलाज करने की जो व्यवस्था हमने की है ये पहले कभी भी नहीं थी। आम गरीब आदमी अपना खाता खुलवा सकता है, उसके खाते में पैसा जमा होता है, ये कोई कम बात है क्या? नहीं, किसान योजनाएं नहीं, मतलब पहले तो बिचारा फर्क अपनी योजनाओं को लेकर ये बात नहीं ना। वो हमने विकास केंद्र की योजनाएं लागू की है, लागू अपना खाता वो नहीं लागू तो करेंगे राज्य होता क्या ना लागू करता, आप उनकी योजनाओं को अपना बना कर क्यों बखान कर रहे हैं? आपका केंद्र में सरकार, आपकी राज्य में सरकार अपनी पीठ थपथपा लो, हो चुका मेरी पाली को पहुंचे विकास में दे दो, इसमें ओडीएफ में दे दो, नहीं उन्होंने प्रश्न मुझसे किया, उन्होंने प्रश्न मुझसे किया है इसलिए मैं बोल रही हूँ। नहीं ऐसा नहीं चलेगा, आपको इसमें मेरे से प्रश्न किया, नहीं इन्होंने प्रश्न मुझसे कर लिया। ठीक है अर्चना जी माफी के साथ आपको भी रोकना चाहते हैं, मदन राठौड़ जी आपको भी रोकना चाहते हैं क्योंकि वक्त नहीं है, अब शो को खत्म करना है हमें। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बड़ी बहस में। आंकड़ा सरकार का है कि हम बेहतर काम कर रहे हैं, विपक्ष का कहना है कि बेहतर काम नहीं किया जा रहा है, महज आंकड़े दिखाकर बरगलाया जा रहा है। हालांकि अब चुनाव 1 साल बाद होने हैं, जनता तय करेगी कि किस पार्टी यानी कि मौजूदा पार्टी की सरकार ने काम किया या फिर नहीं। इसी के साथ दीजिए इजाजत।